ये सस्पेंशन ब्रिज है यहाँ पे। गाड़ी लहर रही है यहाँ पे। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम टू माई चैनल रेडवी द्राव वंस अगेन। कैसे आप लोग? बढ़िया, मैं बहुत बढ़िया गाइज। सो अभी हम लोग हैं काला पानी में। रेडी, आज का जो जर्नी है, पहले हम लोग यहाँ से मुक्तिनाथ जाएंगे, मुक्तिनाथ से चुशांग जाएंगे। तो टोटल ओवरऑल समेर अराउंड 95 किलोमीटर का रास्ता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। दे सेइंग इट्स हाफ ऑफ द टारमैक एंड इट्स गोना बी मिक्स ग्रेवल एंड सैंडी एंड रॉकी। मोस्ट ऑफ द इट्स गोना बी रॉकी एंड ऑल लाइक। सो लेट्स ऑल बट and that's Annapurna mountain and it's really nice here. Like the view from here, it's amazing. That's there the bikes are parked and these are our backup vehicles and khana apna ready ho raha hai. That's our cooking tent and this is where we're gonna have breakfast. You know the Lent also, 40 days of fasting and no non-veg, no alcohol. Ideally it is to detox the body. We are all set and living for Muktinath and from there Chushang. सब लोग gear up हो रहे हैं। टाइम हो गया 8:30, हमें निकलना था 8 o'clock, बट ठीक है, बड़ा ग्रुप है तो इट्स वेरी नॉर्मल। लाइक अपना रेंज ज़्यादा नहीं है, 90 के आसपास है। आई थिंक जॉम्सोम में फ्यूल अप पेट्रोल रहेगा तो विल फ्यूल अप देयर। ये वाला मैं यहाँ लगा देता हूँ चार्जिंग के लिए, बाकी तो कुछ मैं यूज़ करता नहीं इसको इतना। रॉक एंड रोल बेबी। डन, हाँ चलो, लेट्स गो। कल हम जो लेक गए थे वो यहाँ से डिटूर करके गए थे और ये रास्ता लोमन तांग जाता है, पब्लिक यही रूट लेती है, बट हमने कल कुछ थोड़ा सा डिटूर लिया था। हम लोग इस ब्रिज से अंदर गए थे एंड दैट्स हाउ वी डिड द एंटायर ऑफ रोडिंग। एंड ये जो पहाड़ दिख रहा है, उस पहाड़ के पीछे गए थे। लाइक क्या जन्नत था यार, लाइक रोड टू हेवन, लाइक मज़ा आ गया कल तो। यहाँ के रोड जो है ना वो रॉकी हैं एंड इट्स अ मिक्स ऑफ टेरेन। लाइक ये यहाँ पे आई थिंक कल हम लोग गए थे तो पूरा ये वॉटर क्रॉसिंग है, मस्त मजा आएगा। हल्लू हल्लू, हाँ आ जाओ, अपने को तो बहुत मजा आता है इन सब में। ओहो, एक और वाटर क्रॉसिंग। ये थोड़ा सा गहरा लग रहा है बट हो गया क्रॉस। देख रहे हो बोल्डर्स हैं यहाँ पे, लाइक बड़े बड़े पत्थर बोल्डर्स। एक टाइम था कि पूरा अपर मस्टैंग ना यही सब बोल्डर थे, लोग आते नहीं थे यहाँ पे, लोग डर्ट बाइक लेके आते थे। भाई साहब ये है, मजा आ गया। बड़े बड़े बोल्डर, सोचो जब लोग यहाँ पे आएंगे बारिश के सीजन में तो पूरा पानी ऊपर से बह के आ रहा होगा यहाँ पे। विल बी लाइक क्या मजा आएगा उन लोगों को यार। एक नंबर रोड है यहाँ पे। अभी मैंने 1901 डिसाइड किया कि विल टेक अपना दिस सस्पेंशन ब्रिज नाउ, उससे क्रॉस करेंगे। छोटा सा है, कल हम लोग आए थे गाड़ी लेके, यहाँ पर है सस्पेंशन ब्रिज।
सस्पेंशन ब्रिज है यहाँ पे, वाओ निशु भाई मजा आ गया, गाड़ी लहर रही है यहाँ पे भी, कोई सस्पेंशन हिल रहा है। अपर मस्टिंग का ना ये क्लाइम्स एंड ये दिस इवन सैंडी में भी ना फुल रॉकी है लगी है, देख रहे हो अपन वो दिख नहीं रहे हो यहाँ पे, बड़े 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 बोल्डर्स हैं, सो यू हैड टू बी लाइक ऑल टेक्निकल राइडिंग, यहाँ पे यू कॉन्ट रिप योर बाइक लाइक झंझकार जहाँ पे हम लोग भगाते हैं ना फुल, कॉन्ट डू ओ हेयर यार, लाइक इट्स वेरी स्केरी। एक कोई बड़ा पत्थर हिट किया एंड यू आर इन अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। बच्चा एंड ये जो ब्रिज है ना मुझे लद्दाख की बहुत याद दिला रहा है, लद्दाख में सिमिलर ब्रिज होते हैं। क्या नजारा है यार, आई थिंक यहाँ पे ना लोगों को रैली वैली ऑर्गेनाइज करना चाहिए। बट ऐसे जगह पे यू कैन ट्रिप योर बाइक्स। This is nice, like it's nice off-road, it's straight patch, not much of boulder, so you can like have fun. ओहो ये क्या बारिश वारिश होकर रखा है। अच्छा यहाँ पर अपने को शायद परमिट दिखाना पड़ता है, सो ये लोग रुके हैं परमिट के लिए। ये है हाई प्लेन्स इन, ओके समथिंग, कहाँ पर वो नहीं है क्या पंप नहीं है, चलो चलो यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं, यहाँ पे पेट्रोल पंप नहीं है सो ये बोतल से डालना पड़ेगा अपने को, सो बोतल से फिल करते हैं। आगे पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा क्या पे? मिलेगा, मिलना तो। कहाँ पे मिलेगा? डायरेक्ट तो 25 किलोमीटर के बाद। 25 किलोमीटर मिलेगा ना पक्का? ओके। आगे है बोल रहे हैं। निशु, आगे है। जॉमसन में है ना? हाँ। जॉमसन में है पेट्रोल पंप? है है। चल चल। हाँ? ऐसे ही मिलेगा? हाँ। पंप नहीं है? भर ले फिर। एक काम करना 15 लेके, 15 बोतल हाँ भर लेता हूँ। हाँ सो यहाँ पे पेट्रोल पंप नहीं है, जो भी है सब जगह यही मिलता है। आगे पेट्रोल पंप नहीं है, ये बोतल मिलेगा यहाँ पे तो भर ले अभी। पेट्रोल पंप नहीं है आगे, जो कुछ भी है ना यही है तो भर ले यहाँ से, ये ऐसी बोतल मिलेगी आगे भी, डाल भाई पेट्रोल डालने का। हाँ तो पूरा काम खाली करेगा। हाँ करना पड़ेगा, कर ले अभी। हाँ अच्छा अपनी टोटल डिटेल में कितना है? वी डोंट नो, आगे मैप्स नहीं है ना, देयर इज नो गूगल मैप, वी कांट मेजर कि कितना किलोमीटर जाएगा आगे, ओनली मुक्तिनाथ तक वी कैन सी कि कितना किलोमीटर है, उसके बाद कुछ दिखता नहीं है। पंप नहीं है, सब बोतल में मिलता है ना ऊपर में। नहीं है पंप में, ऐसा ही मिलता है बोतल में। अपना जीओ से वाला कौन कौन बता रहा है?
वो भरेगा नहीं सुभरेगा ना मेरे पास आराम से गिरा मत उसको कितना 223 हाँ बट तेरे को भरना पड़ेगा कहीं ना कहीं तो आगे भरा ले फिर भरा लिया हाँ भरा ले यही है आगे पेट्रोल है ही नहीं है कहीं पे भी कितने के बोतल यहाँ पे 170 ठीक है हाँ 15 170 100 रुपीज़ देखा है सेम भाव है सब का पेट्रोल भरा के हो गया है अभी हम लोग निकल रहे हैं हल्लू हल्लू रिप माय बाइक अभी आगे ना पूरा मिक्स टेरेन रहने वाला है इट्स लाइक ब्रोकन टार में ये सब रोड बनने वाले कुछ टाइम के बाद मुझे लग रहा है सो ये राइट टाइम है जिनको भी करना है अभी कर लो बाद में एक बार रोड बन जाएगा भाई इस बंदे ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है सीरियसली बोल रहा हूँ ये बंदा जो भगा रहा है ना देख रहे हो इज रिपिंग इज बाइक यार और उसकी एज 58 है सीरियसली बोलो ये जो करने मजा आएगा ना वो जून जुलाई में बहुत मजा आएगा क्योंकि पूरा का पूरा ये ना पानी से भरा होगा ये पंचर हो गया यार सो अभी मैं हूँ बजाज की वर्कशॉप में और मेरी बाइक में जो बड़ा पंचर हुआ था इट्स अ बिग कट वी ट्राइड पुटिंग यू नो पंचर वी पुट 4-5 पंचर टुगेदर बट इट्स कुडंट होल्ड इट सो लेट्स सी क्या फुटो चाहिए ऑन ब्रो नहीं है वो मशीन नहीं है नहीं पैच से रुकेगा नहीं लगता ना जनरल काफी बड़ा होल हो गया वो नहीं नहीं ट्यूब ही नहीं टिकेगा इतना बड़ा है ना बड़ा आता है पैच इतना बड़ा आता है वो डाल देगा ना अच्छा हो जाएगा और ट्यूब डालेंगे तभी तो ट्यूब में भी दिक्कत होगा इधर पत्थर उथल पत्थर उथल जाने को संभावना होगा ना आड़न दिन की ट्यूब डालने में कुछ इतना प्रॉब्लम आएगा इसके अंदर क्या करें ट्यूब डाल दें हाँ ट्यूब डाल दो इसके अंदर बेटर रहेगा मेरे को तो बेटर वही लग रहा है पैच मार दो पैच मार के ट्यूब डाल दो चलेगा इधर भी छोड़ दिया है थोड़ा वही बोल रहा हूं पैच मार दो इसके अंदर पहले पैच मार के ट्यूब डाल दो ठीक है सो अभी इसमें ट्यूब डाल रहे हैं आई होप कि ट्यूब डालने के बाद ये सर्वाइव कर ले अपने ग्रह कुछ खास चल नहीं रहे नहीं सो भाई फर्स्ट मैं वही बोल रहा हूं कि फर्स्ट डे एक्सीडेंट हुआ सेकंड डे अपना क्या नाम है वो ब्रेक खराब हो गया ब्रेक गया और ये थर्ड डे और अभी थर्ड डे बड़ा वाला पंचर हो गया बड़ा वाला मतलब छेदी लाल हो गया टायर छेदी लाल हो गया और लाइक ऐसा नहीं पहली बार अपना 5 passes राइड में गंदी तरीके से होता है झंझकार में मैंने खुद टायर निकाला खुद वो किया फिर वो मतलब ये टायर फ्रंट वाला जाता ही है अभी ये टायर से पाला छोड़
सिंपल कहाँ भी कुछ और देखना पड़ेगा बहुत हो गया ये टायर कारो स्ट्रीट छोड़ बहुत हो गया अभी कुछ और देखना पड़ेगा इसको कुछ हुआ ना तो लग जाती है इसके ऊपर ज्यादा लगता है कि हाँ उसको बिल्कुल हल्का सा भी वो टेढ़ा हुआ ना ब्रेक लगेगा नहीं ब्रेक ही नहीं लगेगा ब्रेक ही नहीं लगेगा आगे का ब्रेक प्रोफाइल हो जाएगा हाँ महंगा पड़ता है हाँ चलो बट थैंक यू सो मच आप लोगों ने इतने शॉर्ट टाइम में बना के दे दिया दैट्स रियली हेल्पफुल यार चलो अगर कुछ हुआ तो मैं आपको फ़ोन करूँगा ठीक है ओ फक इट्स लिटिल बाउंसी नाउ वो ट्यूब के कारण ना 32 लोअर इट देव भाई आई लव यू यू स्टेड बैक यार लाइक सीरियसली बोथ क्या कर रहा नहीं यार उसको ना बोल दिया लव यू पहले ही उसको बोला ये तो मेरा स्टार है पापा इस अगर ये नहीं रहेगा तो वेंचर लग जाएगी मेरी सब लोग एक दूसरे को लव यू बोले हाँ मेरे कुच्ची भाई हमने शैतानी कर दी होगी सिम तुम्हारा हवा पूर रहा था ना हाँ हाँ क्या हवा भर रहा था ना हवा को लाइटर लगा रहा था ना हाँ अरे यार शूट दैट मैन चलो निशु भाई चलो यहाँ से एक घंटा दिखा रहा है मुक्तिनाथ के लिए 24 किलोमीटर यार जल्दी कर लेंगे देखते हैं क्या होता है जो बोले सोनी हाल सत श्री अकाल बाबा मेहर रखना भाई आगे वाला टायर हल्का सा बाउंसी हो रहा है क्योंकि जो हमने ट्यूब डाला है वो 21 इंच का है और हमारा टायर जो है वो 19 इंच का है सो दैट इज़ द थिंग बट ठीक है अभी ऑफ रोड में दूसरा कोई इलाज है नहीं सो जो मिला जुगाड़ किया कर लिया उससे चलना पड़ता है बट मैं जब भी ऑफ रोडिंग करता हूँ ना मेरे हाथ में ऐसा ये ऐसे सारे कांड होते रहते हैं कुछ नहीं कर सकते आई थिंक इज समथिंग माय राइडिंग स्टाइल और टायर में कुछ कमी है जो भी है देखी जाएगी चलो अभी हर्ड मुक्तिनाथ का एक पैच थोड़ा सा खराब है उस पैच पे देखते हैं क्या होता है हाँ चल चलो भाई अभी भागाता हूँ मैं यहाँ पे लेट्स सी कितना भाग पाती मेरी बाइक 93 100 110 नॉट बैड अमित पत्थर बहुत है अमित मत पंगे ले बहुत ज़्यादा पत्थर है क्यों पंगे ले रहा है कुछ तो हुआ है मैं वापस आया अभी हाँ क्या हुआ पंचर ओ फक लगा दिया ये चावड़े का पंचर हो गया अभी आ रहे हो ओके आर द रोड गुड From Takvini, all we are going to Muktinath first. Yeah, yeah. Then great. We'll also have lunch. We'll try to go with you guys first. Yeah. We're only going till. Okay. Ah. Okay. We'll catch you on the sun.
ओके सी यू। सो ये पंचर लगा के हो गया एंड निकल रहे हैं यहाँ से भाई। हाँ जी वे टू मुक्तिनाथ वे टू काकबेनी सो यहाँ पे भी है। लेट्स वेट फॉर दिस पीपल, इनको मालूम पड़ना चाहिए ना कि हाँ। तो यहाँ से काकबेनी जाएगा जो हमें जाना है अपर मस्टैंग की तरफ, और ये रास्ता जाएगा मुक्तिनाथ के लिए। इन लोगों को आने दो। चलो अभी तो मक्खन रोड रहेगा। चलो यार नजारा है बिडू एक नंबर, सीरियसली यार जन्नत है जन्नत। उसमें काफी अच्छा खासा ऑफरिंग था, बट यहाँ पे तो फुल सपाट सड़क बन के रखी है, नथिंग ऑफरिंग का दूर दूर तक कोई निशान नहीं है। अच्छा आई थिंक यहाँ पे काफी टूरिस्ट आते होंगे जो लोकल से, वो इस चक्कर में यहाँ पे रोड बना दिया है। जैसे हमने काकबेनी से राइट मारा वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा रोड है और मक्खन रोड है लाइक। मंदिर शायद ऊपर है ना।